हाँ भाइयों, जिस समय सुपन खां नाक कान कटवा करके अपने फुफेरे भाई खरदूसड़ के करीब गई है, सारा समाचार जब भाइयों से कहा है तो ऐसा ही नहीं, देखते हैं आगे। अरे सुपन खां की बात ये सुन के हमारा कोई विचार नहीं था।
जंगल में फिर भैया Thank you.
तो रावण के हाथों मरूंगा।
समझाया लेकिन रावण की समझ में बात नहीं आई आगे।